जिला चंबा में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रावी नदी में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत के लिए कुल्लू की टेक्निकल टीम ने ट्रायल किया। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। इस टेक्निकल टीम में कुल्लू के राफ्टिंग ऑपरेटर कर्म की अगुवाई में 12 सदस्यों के अलावा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम के इंचार्ज राकेश आहुवालिया भी शामिल रहे। इस ट्रायल के दौरान रावी नदी को रिवर राफ्टिंग के लिए उपयुक्त पाया गया है। इस ट्रायल प्रक्रिया के दौरान परेल पुल से भनोता तक 7 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग की गई। इसके साथ ही भनोता में जल क्रीड़ा केंद्र की संभावनाओं का आकलन भी किया गया। ट्रायल प्रक्रिया के दौरान सदर विधायक नीरज नैयर और उपायुक्त अपूर्व देवगन भी मौजूद रहे। उन्होंने ट्रायल प्रक्रिया से पहले रावी नदी के किनारे पूजा अर्चना की। उन्होंने साथ ही ट्रायल प्रक्रिया के दौरान रावी नदी में राफ्टिंग भी की। हमारा ये मानना है जो हमारा असेसमेंट भी है, हमारा डीटीडीओ साहब का टूरिज्म डिपार्टमेंट का, एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म बहुत जरूरी है। हिमाचल में लोग चंबा में सुंदर वादियों के लिए, इसके पर्यावरण के लिए तो आते ही हैं, बट टूरिस्ट को एंगेज करने के लिए भी एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। पोटेंशियल जो चंबा में बहुत है, बड़ा है। यहाँ पे जो माइटी रावी नदी है वो यहाँ पे बहती है। यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पे ट्रैक्स हैं, सेंचुरीज हैं, तो उसमें उसी में एक हमारी पहल है कि एडवेंचर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रावी में राफ्टिंग का पोटेंशियल है। बहुत वर्ष पहले ये नोटिफाई भी हुआ है, परंतु नेचर एक ऐसी चीज़ है, परिस्थितियाँ, नदी का कोर्स वगैरह ये बदलता रहता है, तो आज एक प्रोफेशनल टीम को आमंत्रित किया गया था कि इसको, इसका मुआयना कर लें और कि देख लें कि कुछ और इसमें बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है और मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप चंबा में आएँ और राफ्टिंग का लुत्फ रावी नदी पे ज़रूर उठाएं। राफ्टिंग में आपने भी, आप ही एक गवाह बने यहाँ जो सक्सेसफुल ट्रायल था, तो भविष्य में एमएलए साहब ने कहा कि इस तरह के इवेंट कोई नहीं। नहीं बिल्कुल, देखो चलो चंबा अभियान के अंतर्गत चंबा प्रशासन सरकार के सहयोग से करता आया है यहाँ पे विभिन्न एडवेंचर टूरिज्म वाले इवेंट्स और अन्य टूरिज्म से रिलेटेड इवेंट्स। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे पे खजियार में एक बहुत बड़ा इवेंट किया था। हमारा आने वाले समय में भी चंबा टूरिज्म फेस्टिवल, विंटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को लेके बहुत सारी गतिविधियाँ प्लान की हैं और हम सबको आमंत्रित करते हैं कि चंबा में ज़रूर पधारें और यहाँ का एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज़ का और वातावरण का, पर्यावरण का लुत्फ उठाएं। रिवर राफ्टिंग का जो है ट्रायल किया है और हम यहाँ से आपके कौन से परेल से हमने स्टार्ट किया और यहाँ आए, तकरीबन मेरे को अपना आइडिया है कि 6-7 किलोमीटर होगा रिवर राफ्टिंग करते हुए आया, शायद 7 किलोमीटर हो। तो मुझे लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो है ये बहुत अच्छी पहल जो है ये होने जा रही है और काफ़ी टाइम से जो है रिवर राफ्टिंग की बातें होती रही हैं, लेकिन इस बार जो है हमने इसको जो है अमीर जामा पहुँचाया है और ख़ास तौर पर जो आपके डीसी साहब हैं उनका भी एक पर्सनल इसमें मदद रही और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। ये जो राफ्टर्स आए हैं कुल्लू से आए हैं, आज हमने ट्रायल रन किया है नदी के ऊपर और मुझे लग रहा है कि मेरे को ऐसा लगता था कि रावी रिवर जो है बहुत, इसका फ्लो बहुत तेज है और पता नहीं यहाँ रिवर राफ्टिंग संभव होगी नहीं होगी, लेकिन आज क्योंकि हम स्वयं खुद ही आज ट्रायल रन पे यहाँ गए और मुझे ऐसा लगा कि बड़ा नॉर्मल जैसा था और अभी पानी का फ्लो भी आजकल कम होता है क्योंकि सर्दी का टाइम है। समर्स के टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि रिवर राफ्टिंग जो है और ज़्यादा एक्साइटिंग होगी अभी के मुकाबले, हालाँकि बीच में हमें काफ़ी रैपिड्स मिले और काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हुई, काफ़ी बीच में जो पानी था वो स्टिल भी था। तो मुझे लग रहा है कि रिवर राफ्टिंग से और इस तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स की और जो चीज़ें हैं हम अपने इलाके के अंदर लेके आएंगे, चाहे जिप लाइनिंग है, चाहे आपका पैराग्लाइडिंग है, इन सब चीज़ों को जोड़ के जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है हम टूरिज्म के क्षेत्र में जो है हम बढ़ावा देंगे और जो भी हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं इससे नेचुरली रिवर राफ्टिंग होगी तो रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, ढाबे भी खुलेंगे, टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, होटेलियर्स को फ़ायदा होगा, दुकानदारों को फ़ायदा होगा, ये एक चेन है।
ये चेन की तरह घूमती है। तो अभी आज यहाँ ट्रायल रन किया है और आई थिंक इट्स वेरी सक्सेसफुल। सर ये जो ट्रायल रन हुई, बिल्कुल अभी एक्चुअली में ऑफ सीज़न है क्योंकि ठंड होती है। अब जैसे पानी हमारे ऊपर गिरा तो अभी बीच में रास्ते के अंदर, तो आप वीडियो भी देखेंगे, डीसी साहब ने तो जंप भी मार दिया पानी के अंदर पूरा और उन्होंने लुफ्त उठाया। तो आई थिंक इट वॉज वेरी एक्साइटिंग और मुझे लग रहा है कि ये इन एक्टिविटीज से जो है हमारे इलाके को आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा जो है मिलेगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि अगले साल से जो है हम पैराग्लाइडिंग को जो है, सॉरी पैराग्लाइडिंग नहीं पर रिवर राफ्टिंग को जो है हम फुल इम्प्यूटस दें, क्योंकि आपने सुना ही होगा गंगा के किनारे ऋषिकेश में 300-300 राफ्ट जो है और इतना टूरिस्ट वहाँ जो इनफ्लक्स जो है टूरिस्ट का रहता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अपने इलाके के अंदर भी अगले साल से जो है हम इसको प्रमोट भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ आए और रिवर राफ्टिंग का जो लुफ्त है वो उठाएँ। क्योंकि जो मैंने अभी जब मैंने ये रिवर राफ्टिंग किया, मैंने खुद देखा है कि हमारी नदी के अंदर कुछ, क्योंकि हमारा नदी जो है बीच में बहुत चौड़ी भी है, तो बीच में रैपिड्स भी हैं, बीच में पानी थोड़ा स्लो भी है और बीच में पानी काफ़ी, जो लेवल है पानी का वो 3-4 फीट भी है। तो वहाँ आदमी राफ्ट से नीचे उतर भी सकता है, जंप भी मार सकता है, एक तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इट वॉज वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग। और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।